हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय स्पोर्ट्स विद मोहम्मद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एशेज क्रिकेट और व्हाट और क्या ही शानदार एंड हुआ एशेज का। जिस तरह पिछले 1.5 महीने से दोनों टीम्स लगी हुई थी, कभी कोई ऊपर जाता था, कभी कोई ऊपर जाता था, फिर कम बैक होता था, फिर दूसरी टीम कम बैक करती थी, फिर काउंटर पंच मारते थे। मतलब जिस तरह की मतलब ट्रू एग्जीबिशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट जिस तरह इन दो टीम्स ने किया है पिछले 1.5 महीने से, आउटस्टैंडिंग। और मतलब जिस तरह की क्वालिटी क्रिकेट देखी और क्राउड जिस तरह का अच्छा क्राउड था, स्टेडियम्स प्यारे थे। इंग्लैंड मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट के लिए बेस्ट वेन्यू है, बस एक चीज़ जो है वो ना हो जो वहाँ की बुरी है और वो है बारिश। और यही वजह बनी कि इंग्लैंड जो है वो एशेज नहीं जीत पाया और अर्न जो है वो नहीं अपने पास कर सका और 3-2 सीरीज बराबर हो गई। कमाल ही, मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड भी रिटायर हो गया। एक आउटस्टैंडिंग कैरियर था स्टुअर्ट ब्रॉड का, 604 विकेट्स ली स्टुअर्ट ब्रॉड ने और अपने टेस्ट कैरियर में। जिमी एंडरसन के साथ एक रिमार्केबल बॉलिंग पे बनाया था, लेकिन जिमी एंडरसन मेरा भाई अभी भी तगड़ा जा रहा है। ही इज इन, ही हैज नो प्लान्स टू गिव अप एनी टाइम सून। और स्टुअर्ट ब्रॉड के बनी डेविड वार्नर ने अब सुख का सांस लिया होगा कि फाइनली स्टुअर्ट ब्रॉड का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। 17 टाइम्स आउट किया स्टुअर्ट ब्रॉड ने डेविड वार्नर को और एशेज फाइनली 2-2 लेवल हो गया। और लेकिन अर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया रिटेन करेगी क्योंकि पिछली सीरीज जो थी एशेज वो ऑस्ट्रेलिया जीती थी, जहाँ उन्होंने 4-0 हराया था इंग्लैंड को अपने होम में। तो खैर, मतलब बहुत मज़े का मैच था। 384 का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल है, 134/0 थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन फिर डे 4 पे बारिश हो गई और फिर स्टार्ट किया डे 5 पे। और फिर डे 5 पे क्रिस वोक्स ने जिस तरह का कि एग्जीबिशन ऑफ फास्ट बॉलिंग किया, ही वाज ट्रूली मैग्निफिसेंट। और देन लेटर इन द डे 146 रन चाहिए थे 7 विकेट्स इन हैंड पे, जब दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई। और स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड वर गोइंग रियली वेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आफ्टर द रेन ब्रेक मोइन अली, स्पानर वेब और 110 रन चाहिए थे, 7 विकेटें पड़ी थी। और लेकिन फिर जब 4 ओवर में 4 विकेटें गिरा दी इंग्लैंड ने एक साथ, और क्रिस वोक्स और मोइन अली दोनों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जिसकी वजह से फिर इंग्लैंड टॉप पे आ गया मैच के। एंड इंग्लैंड वर ऑन टॉप एंड ऑस्ट्रेलिया वर सडनली अंडर प्रेशर। और उसके बाद क्रिस वोक्स, उसके बाद एलेक्स कैरी और टॉड मर्फी ने काफ़ी अच्छी खेली क्रिकेट एंड दे प्लेड दे शॉट। स्पेशली एलेक्स कैरी जो थे वो रन स्कोर कर रहे थे एंड ही वॉज गोइंग फॉर द रन्स। और लेकिन इन द एंड इंग्लैंड प्रूव टू गुड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेटें लिया और अपनी आखिरी 2 विकेटें स्टुअर्ट ब्रॉड ने ली, जो इंग्लैंड को मैच जिताया और सीरीज रिटेन कर ली। तो ओवरऑल इंग्लैंड वन द गेम बाय 49 रन एंड द इक्वलाइज द सीरीज 2-2। और मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो था वो क्रिस वोक्स का था, क्योंकि जिस तरह इस बंदे ने इम्पैक्ट डाला ना आते सात टीम में, मतलब 3 मैच में कोई 19 विकेटें ले गया, ऊपर से रन अलग से किया, फील्डिंग बेहतरीन अलग इसने किया, तो मतलब और कम बैक करा था। वे टेस्ट स्क्वाड से उनके ड्रॉप था, वो ओली रॉबिन्सन को खिला रहे थे इसकी जगह। तो खैर, ओली रॉबिन्सन का तो पत्ता साफ हो गया। और ओली रॉबिन्सन जो था, सॉरी क्रिस वोक्स वॉज नेम्ड एज अ प्लेयर ऑफ द मैच फ्रॉम इंग्लैंड साइड और मैन ऑफ द मैच भी। और मिचेल स्टार्क वॉज नेम्ड एज अ प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर दी ऑस्ट्रेलियन साइड। लेकिन उस्मान ख्वाजा का बनता था ये, 400 के करीब उसने कोई रन किए हैं उस्मान ख्वाजा ने, हर इनिंग्स में आपके उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन खैर, उस्मान ख्वाजा वॉज ड्रॉप देयर। लेकिन मिचेल स्टार्क ने भी 23 विकेटें लिए हैं, तो ही डिड बॉल रियली वेल। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया और जो रूट वॉज नेम्ड एज इंग्लैंड बेस्ट प्लेयर ऑफ द समर, 7 विकेटें कुछ उसने ली थी। तो खैर, ओवरऑल एशेज वॉज प्रिटी मच फन। और अब ये फाइनली 1.5 महीने बाद ख़त्म हो गया 2-2। अर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा वापस। तो खैर, यस,
और ऊपर से श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो गई है, सॉरी पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो गई है, नहीं अच्छा हाँ श्रीलंकन प्रीमियर लीग ही है। खैर उसमें इतने पाकिस्तानी हैं तो मैं समझ नहीं आ रही थी PSL हो रही है श्रीलंकन प्रीमियर लीग, विच इज़ अ गुड थिंग ऑब्वियसली, हमारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा लीग्स खेलनी चाहिए और वो भी श्रीलंकन पिचेस पे, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप भी इन्हीं टाइप्स की पिचेस पे ही होगा, तो एक्सपोजर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को। और हमारे बाबर आजम जो थे कोलंबो में खेल रहे थे, और आज जिस तरह की इनिंग्स खेली बाबर ने, शुरू में सबको यही लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहा है बाबर, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं था, बाबर प्लेयर को पता था वो क्या कर रहा है, और एंड पे उसने एक्सेलरेट किया, 50 की अपनी, और टीम को एक अच्छे टोटल के बाद ले गया, और सारे उसको इनिंग्स ब्रेक में कह रहे थे सेल्फिश सेल्फिश, 200 रह गए कोलंबो का, 200 रह गया। और बाद में जब फिर जब कैंडी ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की तो चेक किया कि जी विकेट ही बहुत ही पुअर था, और नसीम शाह ने जिस तरह की बॉलिंग की, और कैंडी का कोई भी बैट्समैन अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाया, और 30 से ज़्यादा किसी से उस पिच पे रन नहीं हुए, जबकि हमारे बाबर ने 60 रन किए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी लिया। तो खैर क्लास है ना भाई बंदे की, हेटर जो मर्जी बोले बोलते रहे, बाबर आजम की वजह से कोलंबो जीता, बाबर आजम वॉज नेम्ड एज अ मैन ऑफ द मैच, तो कोलंबो ने भी अपनी कर ली है पॉइंट, कल पिछला मैच हारे थे तो हेटर्स अपने बाहर आ गए थे अपने बेल से, लेकिन खैर कोलंबो वन द मैच बाय 27 रन और बाबर आजम वॉज नेम्ड एज अ मैन ऑफ द मैच। और आपको मैंने एक छोटी सी क्विक अपडेट भी देनी है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है एक और स्टार्ट किया, जिसमें मैं क्रिकेट की लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, आज मैंने अभी पहले वही किया है, अगर आप देख रहे हो तो मेरा हुलिया क्यों ख़राब है, क्योंकि 1.5 घंटा मैं पहले उस पर स्ट्रीम किया, और मैं फ़ौरन ही आपके पास आ गया वीडियो बनाने, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरे, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डू शेयर कमेंट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, और ये सब कुछ करें, शेयर करें, फैला दें हर जगह, और दोनों चैनल्स को मेरे आपने जिस तरह इस चैनल को आपने मेरे प्यार दिलाए उसी तरह उसको भी दिलवाएं, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो में। सो येस दैट इट फ्रॉम दिस ब्लॉग, होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कमेंट, and don't forget to press the bell icon and subscribe to my other channel as well, Mohammed Plays, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। Until then, Allah.